दुनिया में करोड़ों लोग पुरस्कार पाकर सम्मानित महसूस करते हैं, लेकिन शायद एक अरब में से एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे पुरस्कार मिलने पर पुरस्कार खुद को सम्मानित महसूस करता है। वो व्यक्ति और कोई नहीं, हम सब के प्रिय मिथुन चक्रवर्ती है। ऐसे गुणी और सम्मानीय व्यक्ति को सम्मानित कर पाना हमारे लिए सचमुच गर्व की बात है। ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया गया है क्योंकि उन्हें पद्म भूषण मिला है या इस बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलने वाला है, और ना ही इसलिए कि दुनिया भर में फैले उनके करोड़ों प्रशंसक उन्हें बधाई दे रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मिथुन चक्रवर्ती के योगदान, उनकी निष्ठा, उनके संघर्ष, उनकी ईमानदारी और उनके जीवन की गहराई को जाने बिना उनके सम्मान में राजनीति की गंध ढूंढ रहे हैं। जो लोग उनके पुरस्कार पर सवाल उठा रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई जवाब देने की जरूरत भी है, क्योंकि शायद वह राजनीतिक मकसद से इस तरह का दुष्प्रचार करके अपने नेताओं को खुश करना चाहते हैं, या फिर वो पिछले कुछ दशकों से मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ साजिश रचने वाले विकृत मीडिया के प्रचार के शिकार है। लेकिन फिर भी हमारी एक जिम्मेदारी है। हम जिन्होंने अपनी आंखें खोलते ही उनके स्टारडम को देखा, जिन्होंने उनकी उस मनमोहक मुस्कान को देखा और एक ही पल में सारी चिंताओं और परेशानियों को भूल गए, दूरदर्शन पर डिस्को डांसर देखने के लिए स्कूल बंक करके जाने वाले हम जैसे कितने ही बच्चे ने अगले दिन स्कूल में मास्टर जी की डांट और मार हंसते हंसते सह ली। उन लोगों की जिम्मेदारी है कि नई पीढ़ी को उनके बारे में अवगत कराए जिन्होंने शायद मिथुन चक्रवर्ती को जाना ही नहीं। किसी राजनीतिक चर्चा में परे बिना मैं बस एक ही बात कहूंगा कि इतिहास गवाह है कि इतिहास हमेशा सत्ताधारियों द्वारा लिखा जाता है। नेताजी के बलिदान के कारण ही आज हम स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं। ये दुखद है कि इस देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद भी नेताजी को वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। लेकिन समय बदल गया है। आज सत्ता के इशारे पर मीडिया को भी अपनी बनावटी खबरें थोपने की आदत बदलनी होगी, क्योंकि आप और मेरे जैसे कई लोग तैयार हैं सीधे रीढ़ के साथ सच्चाई बोलने के लिए, क्योंकि हमारे भीतर कोई स्वार्थ नहीं है। अगर कुछ है तो वो है जज्बात, केवल जज्बात। अब एक एक करके उन सभी निंदकों के सवालों का जवाब दूंगा जो सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे हैं। पहला सवाल है, मिथुन चक्रवर्ती जैसे एक बी ग्रेड एक्टर को दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने का मतलब क्या है? पहली बात, बी ग्रेड एक्टर जैसा कुछ नहीं होता है। या तो कोई एक्टर होता है या नॉन एक्टर होता है। मुझे अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो लोग मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर बी ग्रेड एक्टर का ठप्पा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी ये मानेंगे कि जिसने अपनी पहली ही फिल्म में राष्ट्रपति पुरस्कार जीता हो वो नॉन एक्टर नहीं हो सकता। और आज तक बॉलीवुड में ऐसा दूसरा कोई अभिनेता पैदा नहीं हुआ जिसने अपने पहले ही फिल्म में राष्ट्रपति पुरस्कार जीता हो। तो ये तो साबित हो गया कि मिथुन चक्रवर्ती नॉन एक्टर नहीं है। अब बात करते हैं बी ग्रेड फिल्मों की। हाँ, आमतौर पर कहा जाता है कि कम बजट वाली फिल्में बी ग्रेड फिल्म होती है और ज्यादा बजट वाली फिल्में ए ग्रेड, यही है ना? लेकिन अगर एक ए ग्रेड फिल्म बनाने के बाद वो फिल्म फ्लॉप हो जाए और दूसरी ओर एक बी ग्रेड फिल्म सफल हो जाए, तो आप किस फिल्म को ज्यादा महत्व देंगे? उस फिल्म को जिसने बड़े बजट के कारण प्रोड्यूसर को दिवालिया कर दिया, या उस फिल्म को जिसने कम बजट में बनने के बावजूद सफल होकर प्रोड्यूसर को दूसरी फिल्म बनाने की पूंजी दे दिया? सवाल मैं पूछ रहा हूं, जवाब निंदक देंगे। दूसरा प्रश्न, सबसे ज्यादा फ्लॉप फिल्म देने के बाद भी मिथुन चक्रवर्ती इस पुरस्कार के हकदार कैसे हो सकते हैं? जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि मिथुन चक्रवर्ती एकमात्र भारतीय अभिनेता है जिन्होंने लीड एक्टर के रूप में दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में की हैं। दूसरा, ये भी सच है कि लीड एक्टर के रूप में सबसे ज्यादा हिट फिल्में भी उनके खाते में हैं,
मैं जोर देकर कह सकता हूं कि सालों की मेहनत के बाद भी कोई इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया है और भविष्य में भी नहीं तोड़ पाएगा। उनकी ये सफलता असाधारण और अनोखी है। और हाँ, वो एकमात्र ऐसे अभिनेता है जिनके स्टारडम के दम पर एक पूरी अलग फिल्म इंडस्ट्री बन गई। उन्हें मुंबई की इंडस्ट्री पर निर्भर नहीं होना पड़ा, बल्कि कहा जा सकता है कि उनके साथ काम करने के लिए आधी मुंबई ऊटी में बस गई थी। यही था उनका स्टारडम। गलत मीडिया ऊटी फैक्ट्री की फिल्मों को बी ग्रेड और फ्लॉप फिल्में कहकर प्रचारित कर सकता है, लेकिन आपकी बुद्धि क्या कहती है? अगर किसी अभिनेता की फिल्म लगातार फ्लॉप हो रही होती तो क्या कोई प्रोड्यूसर उनके साथ फिल्म बनाने के लिए सोचता? यकीनन नहीं। तो फिर इसका क्या मतलब है? मिथुन चक्रवर्ती के ऊटी में रहने के दौरान जो कम बजट की फिल्में बनी उनमें से ज्यादातर सिर्फ हिट ही नहीं बल्कि सुपरहिट थी, क्योंकि ये फिल्में बहुत कम बजट में बनती थी और मिथुन के स्टारडम के बल पर चार गुना पैसे कमा लेती थी। इसीलिए उन्होंने साल दर साल लगातार फिल्में की, यहाँ तक कि जब शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान जैसे अभिनेता मुंबई इंडस्ट्री में छाए हुए थे, लेकिन तब भी मिथुन चक्रवर्ती लगातार 5 साल तक सबसे ज्यादा टैक्स पेयर रहे और उन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया। कम से कम सबसे ज्यादा फ्लॉप फिल्म करने वाला कोई अभिनेता लगातार 5 साल तक सबसे ज्यादा आयकर दाता नहीं हो सकता, है ना? आप क्या कहते हैं? शायद इसीलिए किसी महापुरुष ने कहा है, अपने कर्म से आगे बढ़ो और अपनी सच्चाई से खुद को सिद्ध करो। तीसरा सवाल, दादा साहेब फाल्के अवार्ड उन अभिनेताओं को दिया जाना चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने ऐसा क्या किया है? मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने हमें सपनों का असली मतलब सिखाया है। उन्होंने न केवल सपने देखने की हिम्मत दी बल्कि सपने पूरे करने का आत्मविश्वास भी जगाया। उनके अनुसार सपना वो नहीं होता जो हम सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपना वो होता है जो हमें सोने नहीं देता। एक ऐसे व्यक्ति जो एक अंधेरी गली से उठकर भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार बने, 3-3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और कई बार देश के सबसे बड़े करदाता बने, अगर हम उन्हें प्रेरणादायक नहीं कहेंगे तो और किसे कहेंगे? आप बता सकते हैं? उन्होंने भारतीय सिनेमा में एक नए युग की शुरुआत की। उन्होंने समाज के पारंपरिक नियमों को तोड़ते हुए दिखाया कि रंग या बाहरी रूप किसी कलाकार की सफलता में बाधा नहीं बन सकता। आत्मविश्वास और दृढ़ता हो तो सब कुछ संभव है, ये उन्होंने साबित किया। यही कारण है कि आज के समय के अभिनेता राजकुमार राव से लेकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी तक रुपहले पर्दे पर हीरो बनने की हिम्मत कर पाए, जिसकी शुरुआत मिथुन जी ने कई साल पहले कर दी थी। मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सामाजिक कार्य करने के लिए क्या नहीं किया, गली गली जाकर एम्बुलेंस का उद्घाटन करना, अपनी स्थिति की परवाह किए बिना जहां तहां जाकर फीते काटना और जो भी पैसा कमाया वो सब दान कर देना, जो बरसों से थैलेसेमिया के मरीजों के इलाज में सहायता कर रहा है, अनाथ बच्चों की पढ़ाई से लेकर गरीब लड़कियों की शादी तक, गरीब फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए, फुटबॉल क्लबों के लिए, पत्रकार संघ के लिए, और कितने उदाहरण दो, ये सूची बहुत लंबी है। सच में उन्होंने ऐसा क्या नहीं किया? लेकिन हाँ, एक काम उन्होंने नहीं किया, मीडिया के सामने ढोल नगाड़ा पीटकर अपनी बड़ी बड़ी बातों का प्रदर्शन नहीं किया। इसी वजह से अधिकतर लोग उनके इस निस्वार्थ योगदान को नहीं जानते, और जो लोग जानते हैं वो वही है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने ये देखा या उनसे मदद पाई। उन्हीं से हम जैसे आम लोगों को उनके दान के बारे में कुछ जानने का मौका मिला, इसलिए उनके योगदान का एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने रखा है। एक बहुत अच्छा दर्दमंद इंसान है, लोगों के हमेशा काम आता है और बड़ी हम्बल बिगनिंग रही है। कलकत्ते की गलियों से पुणे आया, पुणे से मुंबई, ना किसी से कोई उसकी जान पहचान थी, ना किसी से कोई रिश्ता था। अपने बलबूते पर उसने ये मकाम बनाया
और शुरू में उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी तो वो पार्क में सोता था। एक ही जोड़ा होता था तो वो रात को सोता था, पार्क में सोता था और सुबह उसी को पहन के वो स्ट्रगल करता था। तो ये इंसान कहाँ से कहाँ पहुंचा है? सिर्फ अपने अपने बलबूते पर पहुंचा है, अपने टैलेंट के बल पर पहुंचा है। तो बहुत दानी बंदा है, दोस्तों के काम आता है और दानी है। दाएं हाथ से देगा तो बाएं हाथ को पता नहीं चलेगा। बहुत दान करता है, दान और कभी बताता नहीं है। संस्कारी बंदा है, बहुत संस्कारी है। हम उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं कि कहां से कहां, कलकत्ते की गलियों का निकला हुआ लड़का पद्म भूषण बनता है, दो बार नेशनल अवार्ड देता है और फिर दादा साहब फाल्के अवार्ड उसे मिलता है। तो ये कहानी जो है किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। अब आप बताइए, अगर इतनी सारी चीजें करने के बाद भी वो अगली पीढ़ी को प्रेरित नहीं कर सकते, मोटिवेट नहीं कर सकते, तो और कौन कर सकता है? सवाल है निंदकों के लिए। चौथा और अंतिम प्रश्न, धर्मेंद्र जी जैसे वरिष्ठ और लीजेंडरी अभिनेता के होते हुए क्या मिथिन चक्रवर्ती को केवल भाजपा से निकटता के कारण दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिल रहा है? धर्मेंद्र जी निस्संदेह एक महान अभिनेता, महान इंसान और उनकी प्रतिभा पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन जब नैतिकता और योग्यता की बात आती है तो हमें कुछ सवालों के जवाब देने की आवश्यकता होती है। आप कह रहे हैं कि मिथुन चक्रवर्ती को केवल भाजपा के निकट होने के कारण दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिल रहा है, लेकिन एक बात सोचिए, क्या धर्मेंद्र जी भाजपा के करीब नहीं है? उन्होंने खुद भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा है, उनकी पत्नी हेमा मालिनी भी भाजपा की प्रत्याशी रही है और उनके बेटे सनी देओल भी भाजपा के लिए चुनाव लड़े हैं। यदि पुरस्कार का मापदंड राजनीतिक निकटता होती तो धर्मेंद्र जी को ये पुरस्कार आज नहीं, शायद कई साल पहले ही मिल गया होगा, है ना? मिथुन चक्रवर्ती सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वो एक आइकॉन है। उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा या नेता बनने की इच्छा भी प्रकट नहीं की, फिर भी क्या हम कह सकते हैं कि उनका पुरस्कार मिलना उनकी योग्यता नहीं है बल्कि राजनीतिक कारणों से है? मिथुन चक्रवर्ती की सफलता और उनकी उपलब्धियां उनकी प्रतिभा, मेहनत और काबिलियत का परिणाम है। जो लोग आज उनकी योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं, क्या उन्होंने कभी सोचा है कि 80 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद किसी फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेशन क्यों नहीं मिला? उनकी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस सफलता के बावजूद उनका नाम पुरस्कार की सूची में क्यों नहीं आता था? मिथुन चक्रवर्ती को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं और तब तो भाजपा की सरकार नहीं थी। उनकी प्रतिभा को तब किस आधार पर मान्यता दी गई थी? जब डिस्को डांसर ने पहली बार 100 करोड़ का बिजनेस किया तो क्या मीडिया ने उस सफलता को प्रचारित किया था? नहीं, उनकी सफलता को छुपाया जाता था ताकि वो कभी भी चर्चा का विषय ना बन सके। बड़े बड़े ए ग्रेड प्रोडक्शन हाउस और उनके द्वारा नियंत्रित मीडिया कभी भी उस साधारण से दिखने वाले मेहनती लड़के को सिंहासन का दावेदार नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन उनकी चाहने से क्या होता है? जिसके सिर पर ईश्वर का हाथ हो और जिसके साथ करोड़ों फैंस का प्यार हो, उसे कभी कोई रोक नहीं पाया और ना ही भविष्य में रोक पाएगा। जो लोग आज मिथुन चक्रवर्ती को जज कर रहे हैं, क्या वो जानते हैं कि वो एकमात्र ऐसे अभिनेता है जिनके फैंस ऑर्गेनिक हैं, जो किसी मीडिया प्रचार पर निर्भर नहीं है? आज भी दुनिया भर में उनके करोड़ों प्रशंसक हैं जो उनकी काबिलियत और मेहनत की वजह से उनसे प्यार करते हैं। सच कहूं, मिथुन चक्रवर्ती एक महासागर है। जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना गहराई में जाएंगे। उनकी प्रतिभा और उनको नापने की शक्ति किसी के पास नहीं है। अंत में कहना चाहूंगा, मिथुन चक्रवर्ती खुद एक पुरस्कार है। हम भाग्यशाली है कि हमें इतने करीब से इस पुरस्कार को देखने का मौका मिला है और भारतीय होने के नाते हम गर्वित महसूस करते हैं। उम्मीद है जो आज ये नहीं समझ पा रहे हैं वो भी एक दिन जरूर समझ जाएंगे कि मिथुन चक्रवर्ती एक रत्न है, भारत रत्न।